हेलो बच्चों, मेरा नाम है भीष्म शर्मा, मैं आपका फिजिक्स का टीचर। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो सकती है हम सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं डाउट नेट के उनके लिए। अगर मैं बात करूँ KFC की, जो KFC के फाउंडर थे, उन्होंने KFC जैसी ब्रांड खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, बार बार ट्राई किया। जब वो 30 एज के थे तभी भी उन्होंने ट्राई किया, नॉट सिर्फ KFC, कुछ अपना करना है। फिर उसके बाद जब वो 40-50 साल के हुए तभी भी उन्होंने ट्राई किया, बिकॉज वो चाहते थे कि वो अपने लिए कुछ करें, अपना ही कुछ काम करें जो कि इस दुनिया में कुछ उनका नाम बनाए, ठीक है। लेकिन वो तब भी नहीं कर पाए, बट वो ट्राई करते रहे। एंड ये आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि उन्होंने ट्राई करना 75 की एज तक नहीं छोड़ा, और KFC जैसी ब्रांड उन्होंने 75 की एज पे आके एस्टैब्लिश करी, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में काफी फेमस है एंड बहुत सारे चेन्स। तो मेन जो मतलब इसका इस स्टोरी का निकल के आता है वो ये है कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए और किसी भी चीज को ट्राई करने के लिए कोई एज नहीं होती है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस पड़ाव से भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से भी हम कुछ भी एक नया शुरू कर सकते हैं, एक अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, हमारा सही माइंडसेट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सही माइंडसेट का एक सही मायना मिला है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यार करते रहो, ठीक है। एंड डू नॉट थिंक अबाउट कि फल कब मिलेगा, ये गीता में भी लिखा है। तो मिलते हैं इन्हीं चीजों के साथ बाद में क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।